बुलेटिन की शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंकने की घटना के बाद से बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। शहर शहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, यहां तक कि यह लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में ममता के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बंगले पर कुछ लोगों ने कालिख पोत दी, तो वहीं बंगाल भवन पर पत्थर फेंकने की कोशिश की गई। नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। तो खबर यह है कि हफ्ते भर बाद 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। हम इस पूरी खबर को डिटेल में आपको बताएंगे। कोलकाता और दिल्ली से हमारे दो संवाददाता मौजूद भी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कार के टूटे हुए शीशे, कार की सीट पर पड़ी हुई ईंट, नड्डा के काफिले पर हुए पथराव ने पश्चिम बंगाल की सियासत को गर्मा दिया है। गर्मा गर्मी इतनी कि इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच गई। ये तस्वीर दिल्ली में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बंगले की है। कल देर रात कुछ प्रदर्शनकारियों ने अभिषेक बनर्जी के बंगले की दीवार को काले रंग से पोत दिया। इतना ही नहीं, बंग भवन पर भी पथराव हुआ। दिल्ली पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई, लेकिन टीएमसी ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। साफ है कि बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। पथराव की घटना पर नड्डा ने ममता पर हमला बोला, तो ममता ने इसे सियासी नाटक करार देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही है, वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নতুন কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমায় মেরেছে। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? कल कोलकाता के डायमंड हार्बर में हमले की घटना हुई और इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचते देर नहीं लगी। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पूरी घटना की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्यपाल ने पूरे मामले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। धनखड़ ने ट्वीट किया, मैंने जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर अधिकारियों को बुलाया था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई अधिकारी अपडेट के साथ नहीं पहुंचा। ये लगातार राज्य में संवैधानिक सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। आज राज्यपाल दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर नड्डा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया है। कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। मैंने कल होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि माननीय नड्डा जी का जो सुरक्षा व्यवस्था, उसमें काफी चूक हुई है। राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था, पुलिस नहीं था, कहीं पर पुलिस था भी तो उनके सामने सारा उत्पात किया गया। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से भेजे गए, जो सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट देंगे। कल से जारी घटनाक्रम की वजह से बंगाल पर घमासान अब भी जारी रहेगा। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और दिल्ली से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। गाड़ी पर पत्थर फेंके जाने की घटना के बाद आज तक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास बातचीत की, सुनिए इस बातचीत के अंश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दो दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है, और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वॉयलेंस है, और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है,
इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, उसको हम बखूबी करेंगे और जनता बीजेपी के साथ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं जनता टीएमसी के साथ है, लेकिन आप हैं कि केंद्र की फोर्सेस को लेकर बाकी सबको लेकर यहाँ पर अपना रुतबा रुबाब दिखाकर नौटंकी कर रहे हैं। देखिए ये शब्दावली जो ममता जी की है ये उनके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर पर्सनैलिटी, अबाउट हर कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशन इन विच शी इज ब्रॉट अप। सो शी हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट पोलिटिकली अगर आप मेच्योर्ड आंसर मेरे से चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि यह भारत देश फेडरलिज्म में विश्वास करता है। यह भारत देश में सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट है कि वो अपनी बातों को रख सके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य देव जिन्हों जो हमारे पहले अध्यक्ष बने उन्होंने जिस विचारधारा को प्रोपोगेट किया वो बंगाल में प्रतिपादित हो और बंगाल के कल्चर के साथ उसको अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का काम। आरोप ये लग रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमान करके बंगाल में ध्रुवीकरण करके बंगाल में राजनीति करके अपने सत्ता में आना चाहते हैं। हमारा नारा विकासवाद का है। आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, यह किसी को भी धर्म के आधार पर बांटता नहीं है, ये सभी के लिए बराबर है। और मोदी जी के द्वारा सबको मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मंत्र को लेकर हम चल रहे हैं। और कल के इस हमले की घटना से बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। 6 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिदनापुर, दुर्गापुर, आसनसोल, बैरकपुर, जबलपुर और इंदौर, जहां पर इस घटना को लेकर रोष है कार्यकर्ताओं के बीच और इसी वजह से धरना प्रदर्शन किया गया। कई जगहों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए और उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता सब तमाम जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। सबसे पहले इंद्रजीत आपका रुख करते हुए, जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया कि इस घटना की वो निंदा करते हैं और इसी तरह की उम्मीद उन्हें ममता बनर्जी से थी, लेकिन टीएमसी तो इन आरोपों को नकार रही है। कौन से ऐसे साक्ष्य हैं वहां पर, कौन से सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि टीएमसी ने इस हमले को अंजाम दिया है? देखिए नेहा, राजनीतिक खींचातानी जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में चल रही है, पॉलिटिकल रेटोरिक जिसे कहा जाता है। बीजेपी का साफ कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों ने इसको अंजाम दिया है। तृणमूल का कहना है कि बीजेपी खुद अपने लोगों से ये करवाया है। जो विजुअल्स दिखा रहे हैं हम लोग उसमें साफ जाहिर होता है कि जो लोग हमला कर रहे थे, जो लोग रास्ता रोको कर रहे थे, उनके हाथ में तृणमूल का झंडा था। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो पत्थर फेंके गए थे वो उनमें से कौन थे, क्या वो गुंडे थे जो उस भीड़ में घुस गए थे, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी सरकार और ममता बनर्जी खुद ये कह दिया है कि ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है, एक स्टेज मैनेज किया गया है, क्योंकि बीजेपी के पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि कल जेपी नड्डा का जो सभा डायमंड हार्बर में होने वाला था वहां पे वो उतना भीड़ जुटा पाए। और यही कारण है कि जिस तरह से फार्मर्स के आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उससे जो लाइमलाइट है उसको भटकाने के लिए इसको अंजाम दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, जिस तरीके से कालिक पोतने की घटना हुई है उसके पहले हमने दोपहर में देखा था कि जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, एक तरीके से वार प्रतिवार का यह दौर चल पड़ा है, लेकिन जाहिर तौर पर जहां कालिक पोतने की घटना हुई है सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, क्या कुछ तस्वीरों में निकलकर सामने आ रहा है? हिमांशु आवाज मिल रही है? हेलो क्या जी, सवाल मेरा आपसे ये कि जिस तरीके से अब ये लड़ाई सीधे टीएमसी और बीजेपी के बीच आर पार की हो गई है, ऐसे में कल जो ये कालिक पोतने की घटना हुई है इस पर क्या जानकारी मिल रही है, किसने इसे अंजाम दिया है, सीसीटीवी कैमरे क्या बता रहे हैं? ठीक है, लौटेंगे हिमांशु के पास। इस बीच आपको ये कल की घटना की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया, बड़े बड़े पत्थर गाड़ी पर फेंके गए जिसकी वजह से शीशा डैमेज हो गया, अंदर भी नुकसान हुआ है गाड़ी को, और ये हमला बेहद निंदनीय
जेपी नड्डा ने बताया है। और कल की घटना से बीजेपी के कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। शहर शहर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ममता के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और ममता बनर्जी के पुतले भी फूके गए, नारेबाजी की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर हमले की खबर जैसे जंगल की आग की तरह शहर शहर फैली और सड़कों पर कार्यकर्ता आ गए। ये तस्वीर कोलकाता की है जहां जादवपुर थाने के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी संगठन की प्रमुख अग्निमित्रा पॉल। हावड़ा में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के तेवर तीखे दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं और महिला पुलिस के बीच यहां धक्का मुक्की भी देखी गई। देखते ही देखते ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शहर शहर फैल गया। हुगली जिले के आरामबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर ममता बनर्जी का पुतला फूका तो हुगली के चुचुड़ा में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बैरकपुर में भी जमकर बवाल हुआ। अपने अध्यक्ष के काफिले पर हमले के विरोध में बीजेपी वर्कर्स ने सड़क पर बैठकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहां भी टायर जलाकर विरोध की आग दिखाई गई। आसनसोल की तस्वीर भी अलग नहीं थी। नड्डा और विजयवर्गीय की कार पर हुए पथराव का गुस्सा यहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं में साफ नजर आया। दुर्गापुर में बड़ी तादाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी के प्रदर्शन से सड़क पर भारी जाम लग गया। बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा, मध्य प्रदेश के कई शहरों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर इंदौर की है जहां सभी 85 वार्डों में ममता बनर्जी का पुतला फूका गया। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गृह शहर है और नड्डा के अलावा विजयवर्गीय की कार पर भी पत्थर फेंके गए थे। नड्डा और विजयवर्गीय पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर शहर बीजेपी आक्रोश प्रदर्शित करती रही। ममता के खिलाफ बीजेपी पहले से मोर्चा खोले बैठी है। पथराव ने पार्टी को हमले का नया हथियार दे दिया है। आज तक ब्यूरो। और जेपी नड्डा के काफिले पर इस हमले से बीजेपी में गहरा आक्रोश है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे टीएमसी की बौखलाहट और गुंडई करार दिया। हमारे साथ केशव मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश है। सर, आपने भी देखा कि किस तरीके से बंगाल में एक सियासी हिंसा दिखाई दे रही है, जेपी नड्डा या फिर कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर गाड़ी पर हमला है। देखिए, पश्चिम बंगाल में वहाँ की जनता केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कब वहाँ मतदान हो, कब ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकें और कब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी में तोड़फोड़, यह दर्शाता है कि टीएमसी की सरकार के किले में पूरी तरह से सेंध लग चुकी है और वह पूरी तरह से विदाई की बेला में है और हिंसा के सहारे, गुंडागर्दी के सहारे जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके टीएमसी सोचती है, ममता जी सोचती हैं कि हम वहाँ पर फिर से सत्ता में आएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि आज की जो घटना हुई है वास्तव में अगर नैतिकता है तो ममता बनर्जी जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं को वह रोक पाने में नाकामयाब हैं और ऐसी नाकामयाबी के कारण से चुनाव तो समय से पहले हो जाने चाहिए जिससे ऐसी नकारा सरकार को वहाँ की जनता उखाड़ करके फेंकने का जो अपना इरादा है उसे प्रकट कर सके। और सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अब पश्चिम बंगाल से भी सुर उठ रहे हैं आक्रोश के। कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी, उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पर हमला किया, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उनको तो कुछ नहीं हुआ बाकी हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारा ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है।
और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। देखिए यहाँ पर लाइन ऑर्डर है नहीं, यहाँ इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बंगाल में अभी प्रेसिडेंट शो चालू होना चाहिए, बंगाल का आइन का कोई शासन नहीं है। जिस तरह से आप पर हमला हुआ है, व्हाट हैपेंड टू यू एग्जैक्टली इफ यू कुड एक्सप्लेन? नहीं, ये तो बंगाल का जो स्थिति है ये सारा बंगाल की है, ये अलग करके नहीं है। रुक करेंगे अब किसान आंदोलन का। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। किसानों का आंदोलन अब भी जारी है और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का क्या कुछ हाल है ये जाना हमारे संवाददाता ने। किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और ऐसे में किसानों की तरफ से कल देश भर के अंदर रेल रोको जो आंदोलन जो है वो किया जाएगा। किसान लीडर्स हमारे साथ हैं, कल की तैयारियां क्या कुछ है इसको लेकर के, क्योंकि सरकार एक बार प्रपोजल जो है वो भेज चुकी है, उसको आप नकार चुके हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जिला अमृतसर अध्यक्ष लखविंदर सिंह विराम नंगल बोल रहा हूँ जी। जो सरकार ने प्रपोजल भेजी, पहली बात तो प्रपोजल 7 तारीख को देनी थी, नहीं दिए। 8 तारीख का बंद का बोल करके भी नहीं दिया। 9 तारीख को भी दोपहर के बाद में दिया, 9 की इन्होंने मीटिंग रखा था। इससे साफ जाहिर हो रहा कि सरकार की नीति में खोट है, नीत और नियति में खोट है। अगर थोड़ा भी इनकी नीति साफ हो तो फिर ऐसा क्या बात है कि वो समय से प्रपोजल ना, प्रपोजल भी वही है जो वहाँ बातें बताई गई हैं। जो कल 12 का प्रोग्राम दिया है पूरे भारत वर्ष में, पंजाब में तो पहले 1 अक्टूबर से टोल फ्री करा रखे हैं, पूरे भारत वर्ष के लोगों को बोला है कि कल कहीं भी टोल प्लाजे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना, फ्री लोग निकलेंगे। हमारे उधर किसान मजदूर अगर जो जिसको नहीं रोकेंगे तो वहां खड़े होकर के उनको निकालेंगे। तौर पर कह रहे हैं कि जब तक प्रपोजल वापसी नहीं होगा, भारत बंद में जिस तरीके का असर देखने को मिलता है उससे ज्यादा असर जो है वो कल देश भर के अंदर जो है वो नजर आएगा। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ सुशांत मेरा दिल्ली आज तक। और इस बीच प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर करते हुए आज एक ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने इस ट्वीट में कहा है कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने नए कृषि कानून और किसानों की मांग को लेकर विस्तार से बात की। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लालू यादव को आज हाईकोर्ट से जमानत मिल गई तो उनका जेल से बाहर का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि चारा घोटाले से जुड़े अन्य मामलों में उन्हें पहले ही बेल मिल चुकी है। सुनवाई से पहले लालू के तीर्थ पुरोहित में देवघर में बाबा भोले की विशेष पूजा अर्चना और आरती की गई। नौ बज गए, में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार 100 शहर 100 खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।